ओके ब्रो, तो गाइस अंश जा रहा है क्लास पे। गाइस मेरी क्लास ही कैंसिल हो गई है, अभी बताता हूँ क्यों। ठीक, मैं वापस जा रहा हूँ अभी नानी घर। हेलो गाइस, नमस्ते ब्रो, राम राम राम, कैसे हो भाई सारे। सो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के टाइम हो रहा है भाई 9 एंड अपना उठ गया। और देखो भाई आज का व्लॉग कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। मैं बाहर ऐसे अभी आया था, मतलब नानी के करूँ ना अभी, तो बाहर ऐसे चक्कर काटने आया था भाई सोसाइटी में। हवा भी थोड़ी सही चल रही थी, धूप थी पर यहाँ पे छाया है ना, इसलिए मैं चक्कर काटने ऐसे आ गया। बाकी भाई वहाँ जिम की छुट्टी हो ही रही है, 2 दिन और जिम की छुट्टी हमारी रहेगी, ट्यूजडे और वेडनेसडे भी। तो यार इसलिए करके थोड़ा चक्कर ही काट ले, थोड़ा बॉडी मूव रहे ना। तो बस अभी घर जाके फटाफट अपन नहा भी लेंगे, क्योंकि भैया सुबह सुबह नहाना पड़ता है, वहाँ बाद में ना पानी आता नहीं है और ऊपर से गर्म इतना होता है भाई, आता भी क्या दोपहर। मैं तो वहाँ पे वैसे दोपहर को नहाता था ना, मतलब क्लास जाने से पहले। और हाँ मेरी क्लास भी है आज, क्लास अंश की भी है, उसकी सुबह क्लास है, मेरी दोपहर को क्लास है, तो क्लास पे जाएंगे। बाकी मैं आपको अपनी सोसाइटी दिखाता हूँ कि कैसी है। चलो सिनेमैटिक मोड ऑन। तो चलो भाई इस घर पहुंच गए और चलते हैं भाई, हम नहाते हैं फटाफट फिर नाश्ता करेंगे। बाकी ये था भाई जहाँ पे हमने कल खेला था। ओके ब्रो, तो भाई अंश जा रहा है क्लास पे। ये पेड़ देखो क्या मस्त लग रहा है, ग्रीन और ऊपर से पता नहीं क्या टंगे हुए हैं पर मस्त लग रहे हैं भाई। बाकी अभी नहा के हो गए रेडी, अब करेंगे भाई ब्रेकफास्ट अपना, गोभी की पराठी और अंडा। जिम तो जा नहीं रहे, अंडा ही खा लेते, बात तो सही है। सो गाइस अपने यहाँ गोभी की पराठी तो आ गई। तो गाइस अभी ना मैं निकल चुका हूँ घर से, जो मैं जा रहा हूँ क्लास पे। और बाहर आती मैंने देखा भाई धूप चली गई है, मैं कहा चमत्कार कैसे हो गया ये। मैं कहा चलो अच्छा है भाई धूप चली गई है, थोड़ा टाइम के लिए जाए पर चली जाए जब तक मैं क्लास नहीं पहुँचता। जा वैसे मैं मेट्रो से ही रहा हूँ, मयूर विहार फेस 1 से प्रीत विहार तक। बाकी यार अभी तो मैं जब वापस आऊँगा ना तब घर पे ना अंश होगा, ना अंकिता होगी, ना अनुष्का होगी, क्योंकि अंश जा रहा है भाई अपने दोस्त के घर, कुछ पार्टी वार्टी है तो कल सुबह ही आएगा, क्योंकि उसका दोस्त कहीं जा रहा है, मतलब तो आएगा ही 6 महीने बाद ही, परसों जा रहा है, इसलिए आज ही जा रहा है वो पार्टी वार्टी करने। बाकी अनुष्का और अंकिता ये जा रहे हैं मूवी देखने रॉकस्टार। चला यार मैं भी जाता, क्योंकि ना मेरी क्लास है, मेरी क्लास LR की है, मेरी इंग्लिश की होती ना तो मैं छोड़ भी देता, पर क्लास मेरी LR की है यार, तो इसलिए जाना पड़ रहा भाई। चलो चलते हैं क्लास पे भाई, धूप चेक कर लो, धूप वापस आ गई है, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं हुआ। ये सूरज दादा फिरकी ले रहे थे, फिरकी। बाकी यार जस्ट मैं जैसे ऊपर आया ना वैसे ही मेट्रो निकल गई, 5 मिनट बचे हैं अभी मेट्रो को, और बादल देखो मस्त हो रहे हैं। वैसे मेरी क्लास ही कैंसिल हो गई है, अभी बताता हूँ क्यों। ठीक, मैं वापस जा रहा हूँ नानी घर। सो गाइस फाइनली सोसाइटी पहुँच गए, एंड मैं जैसे मतलब वहाँ बैठा था ना मेट्रो का वेट कर रहा था, तो वैसे मेरे दोस्त का वो आया, मतलब ऐसी चैट आई, तो वो कहती क्लास कैंसिल हो गई। मैं कहा है मैं तो टिकट लेके बैठा हुआ था स्टेशन पे, मेट्रो का वेट कर रहा था, तो फिर मैंने कंफर्म करा वापस, फिर भाई क्लास कैंसिल ही थी, सर की तबीयत हो गई थी ख़राब, इस करके ग्रुप पे मैसेज आया फिर डिलीट हो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा, मेरे को फ़ोन चार्जिंग पे था मेरा, मैं तो निकल गया था। तो चलो अब वापस घर, बस जा ही रहा हूँ मैं, अब देखते हैं शायद मैं भी मूवी देखने चला जाऊँ, फिर अब बुक कराते हैं, शायद मैं भी जाऊँ अब मूवी देखने, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा यार। मूवी बताऊँगा कौन सी देखने जा रहे हैं अगर मैं जा रहा हूँ तो। सो भाई
हमारी मूवी की टिकट जो है बुक हो गई है, मतलब मेरी अब हुई है, पहले तो हो चुकी थी अनुष्का और अंकिता की। तो जो मूवी देखने जा रहे हैं ना वो है रॉकस्टार, पुरानी मूवी अपने रणबीर कपूर की। तो चलेंगे भाई, बीत रहे से जा रहे हैं, मतलब वो भी क्लास के पास ही है निर्माण यार भी। तो चलते हैं अभी तो नहीं, मतलब हमारा शो है 4:15 बजे का, 4:15-4:30 के आसपास का, तो उधर तक निकलेंगे। ओके ब्रदर, मिलते हैं सुबह कल। हैं वो गाइस निकल चुके हैं अपन, और ये दो बच्चे आगे जा रहे हैं। इन दो बच्चों को मैं मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ। ये लाल बच्चा, ये नींबू। ओए अनु झोपड़ी, अनु झोपड़ी, अनु झोपड़ी। पर यार क्या लाइट मस्त आ रही है एकदम भाई, सनलाइट की वजह से वीडियो बड़ी सही आ रही है। चलो गाइस वीद्रेस पहुंच गए एंड एंट्री कर रहे हैं अपनी थिएटर में। तो भाई कुछ ऐसा है यहाँ पे, देखो मॉल की भीड़ देख लो। इस मॉल में यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि मेट्रो के एकदम पास है ना, ये उतरते ही है। तो बाकी टाइम देख लो, अभी टाइम हो रहा है 7:15। और भाई मूवी मैं बताऊँ तो बहुत बड़ी थी, ठीक ठीक लगी मेरे को। अरे कैसी लगी, कह रहा हूँ कैसी लगी, बहुत अच्छी नहीं थी कोई, ठीक ठीक थी। तेज बोलना पड़ेगा, बहुत अच्छी मूवी नहीं थी, ठीक मूवी थी। हाँ गाने बहुत ही प्यारे हैं इस मूवी के, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है। अदरवाइज स्टोरी के अकॉर्डिंग इट वाज हेवर, तो मुझे ओके ओके लगी। प्लस टाइम भी बहुत ज़्यादा है, टाइम तो ज़्यादा ही है। चल तू तो बता, गाने हैं, गाने बढ़िया हैं सिर्फ उसी करके ना, तभी तो कह रहा हूँ मैं ऐसे स्टोरी कह रहा हूँ। स्टोरी के हिसाब से सही कैसी लगी, ठीक थी ना, मेरे को भी ठीक ठीक लगी, बस गाने के लिए ही मेरे को अच्छी लगती है ये। भाई अभी मैं जा रहा हूँ भाई मेट्रो स्टेशन की तरफ, अब चलते हैं भाई सीधा घर को। अनुष्का और अंकिता जा चुके हैं, मैं भी जा रहा हूँ, चलते हैं सीधा घर, मिलूँगा आपसे। सो भाई फाइनली भी घर पहुँच गए हैं, और टाइम भाई 9:12 हो रहा है। देखो अभी लैपटॉप पे थोड़ा काम कर रहा था मैं, तो बहुत भीड़ थी यार मेट्रो में, लेट कर दिया सही भाई। चलो अभी इनको काम करो, फिर डिनर करेंगे, फिर शायद हम बाहर जाएंगे आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने। तो भाई साहब देखा टाइम 10:30 हो गया है, और भाई मैं आज तो हम गए नहीं, मतलब अभी कहता था मैं आइसक्रीम खाने जाएंगे, तो अंश गया हुआ है ना जैसे मैंने सुबह बताया था आपको, तो कल आएगा, तो कल ही देखेंगे आप इसके सारे। फिर नहीं गए आज रहने दिया। तो बस अभी तो यार 10:30 बज गए, व्लॉग को एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज डे 2 था हमारे नानी घर में, कल डे 3। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।